हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज दिखाने में प्रॉपर्टी, ये बेसिकली आपका 293 स्क्वायर प्लॉट साइज़ है और ये साउथ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। जो फ्लैट मेंट्री करते हुए वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। 1700 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है। टॉप से नीचे वाला फ्लोर आपको रीसेल फ्लोर अभी आया है, जो कि ये सिर्फ दो साल पुराना फ्लोर है ये, और वेल मेंटेन्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसका रैंप एरिया हो गया फर्स्ट क्लास और ये इसका हो गया फ्रंट फसाड। और मूविंग ऑन टू दिस टिल्ट पार्किंग, यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं और ये रैंप एरिया है। यहाँ पे वीडियो डोर कॉल दिया हुआ, जो भी आए यहाँ से आप बात उत कर सकते हो। और ये इसका पार्किंग एरिया हो गया फर्स्ट क्लास। ओपन एरिया है, यहाँ मीटर के लिए देख सकते हैं, पानी का मीटर का वहाँ पे कनेक्शन भी दिया हुआ। और फेस चेंजर यहाँ दी हुई है। और ये आपका पार्किंग एरिया हो गया फर्स्ट क्लास, जो कि आप देख पा रहे होगे। और ये इसका लिफ्ट लॉबी है, ये इसका लिफ्ट लॉबी है। इसमें आपको प्रॉपर काम करा गया है, टाइल्स का वॉल में, फ्लोरिंग में मार्बल लगी हुई है। और ये ओटिस की इसमें आपको लिफ्ट आएगी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ब्रांडेड लिफ्ट यूज़ किया गया है इसमें, ओटिस ब्रांड की लिफ्ट है। और ये आपको 6 पैसेंजर लिफ्ट है। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, इनका हो गया स्टेयर केस, जो कि आप देख पा रहे होंगे। फ्लोरिंग की बात करें तो इसमें काम करा गया, मार्बल का स्टील की रेलिंग लगी हुई है इसमें। और ये विंडो का प्रोविज़न भी दिया हुआ है इसमें। और ये छत हो गया, यहाँ पे स्टील की रेलिंग दी हुई है फ्रंट में, छत कॉमन रहेगा इसमें। और एक साफ्ट यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट क्लास। ऊपर आपको वेक्टर्स की इसमें आपको सिंटेक्स मिल रही है 1000 लीटर का। और ये छत हो गया। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज दिखाने प्रॉपर्टी, ये बेसिकली सेक्टर 4 में साउथ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी। जो फ्लैट मेंट्री करते हुए वो आपकी नॉर्थ ईस्ट है। जैसे मैं यहाँ से एंटर करा, अभी लेआउट समझ लो क्या है आप, ये काफ़ी बड़े साइज़ का ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया आ गया, जो कि आप देख पा रहे होगे। और ये फर्स्ट बेडरूम है। और ये जो इसके साथ अटैच वाशरूम नहीं, कॉमन रहेगा वाशरूम, ये आपका साफ्ट एरिया हो गया। सेकेंड बेडरूम अटैच वाशरूम, ये किचन एरिया है। ये आपका थर्ड बेडरूम अटैच वाशरूम, ये मंदिर का एरिया हो गया, जो कि आप देख पा रहे हो। तो अगर बात करूँ इसके स्क्वायर फीट की, तो ये 1700 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है, फर्स्ट क्लास काम हुआ हुआ। ये आपको 2.5 साल पुरानी फ्लोर है और ये रीसेल पे आया हुआ है। और ये आप देख सकते हो, ये इसका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे टी पैनल का प्रोविज़न भी दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो ये भी। और यहाँ पर इन्होंने कुछ कंसोल बनाया हुआ है कुछ रखने के लिए। वो भी मॉन्ट दी फ्रंट बैल्कनी, बैल्कनी में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर फर्स्ट क्लास विंडो दी हुई है। ये आपकी रनिंग बालकनी हो गई। और ये इसका लुक एंड फील है। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट बेडरूम, ये इसका पहला बेडरूम हो गया, एक किड्स रूम है बेसिकली। तो अगर बात करें फ्लोरिंग की, तो इसमें काम करा गया टाइल्स का, जो कि आप देख पा रहे होंगे। फॉल्सिंग का भी काम हुआ हुआ है। यहाँ पे किड्स रूम है, तो बेड यहाँ दी हुई है। यहाँ पे स्लाइडर वार्डरोब दी हुई है, जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन से लग रहा है। इस तरफ आपको टीवी पैनल का प्रोविज़न भी दिया हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत से लग रहा है। यहाँ पे विंडो है और एक मैच डोर का भी प्रोविज़न दिया हुआ है इसमें। ये भी फ्रंट बालकनी से हो रहा है कनेक्ट, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये नेक्स्ट टू कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। मूविंग ऑन टू दी, ये कॉमन वाशरूम रहेगा, रूम से भी कॉमन है और हॉल से भी कॉमन रहेगा ये। ये एज गुड एज न्यू है, आप देख सकते हैं। वेल मेंटेन बाथरूम है, फिटिंग सारे जैगवार की फिटिंग से इसमें। और ये जो एरिया है, इन्होंने साफ बनाया हुआ है। कुछ आपको यूटिलिटी के का सामान इसमें रखते हैं ये लोग, आप देख सकते हो। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ कुछ स्टोरेज के लिए रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये आपका जो है सेकंड बेडरूम हो गया। अगर बात करें उसकी फ्लोरिंग की, फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर काम करा गया टाइल्स का, जो कि आप देख सकते हो। और फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है इसमें। ये पीछे की बालकनी से हो रहा कनेक्ट, मैं चूँकि यहाँ पे इन्होंने जस्ट ऑफिस सेटअप किया हुआ है,
एक्सेस नहीं है इसका। मैं आपको किचन से दिखा दूंगा, पीछे की बालकनी, यहाँ पे वॉल में इनबिल्ट वार्डरोब आ गया, यहाँ पे टीवी पैनल दी हुई है, टीवी लगी हुई है, इससे अटैच ये वॉशरूम है। ये आप देख सकते हैं, फिटिंग सारे जैगवार के फिटिंग्स रहेंगे। ये आपका शावर, कमोड, वॉश बेसिन, वैनिटी भी बनी हुई है इसमें, जैगवार के सारे फिटिंग्स हैं। और ये आपका किचन हो गया, ये आपका ब्रेकफास्ट टेबल बना हुआ है यहाँ पे। इस तरफ रेफ्रिजरेटर का स्पेस भी दिया हुआ है, आप किचन का डिज़ाइन देख सकते हो। मूविंग ऑन टू दी, यहाँ पे देख सकते हो आप गैस चिमनी सब दिया हुआ है, स्टोरेज के लिए एम्पल स्पेस है यहाँ पे, नीचे भी सारे ड्रॉर्स बने हुए हैं। और ड्यूल सिंक के साथ ही दिया हुआ है, जैगवार की फिटिंग्स हैं इसमें। यहाँ पे आपका जो ओवन दिया हुआ है, यहाँ पैंट्री एरिया हो गया, यहाँ फ्रिज है, और ये किचन हो गया, और ये पीछे की बालकनी हो गई। आप देख लो जो मैंने दिखाया था आपको सेकंड बेडरूम, इसी का एक्सेस आप यहाँ से करोगे, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने अपना ऑफिस सेटअप किया हुआ है तो एक्सेस नहीं है, तो जब आप लोगे तो अपना यूज़ करना। ये पीछे की बालकनी हो गई आपकी फर्स्ट क्लास। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें काम करा गया है मार्बल का, जो कि आप देख पा रहे होगे। और ये आपका ड्राइंग कम डाइनिंग, ये मंदिर है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में मंदिर आ रही है। और ये इसका थर्ड बेडरूम हो गया, 16x13 का साइज़ हो गया रूम का ये। और इसमें भी आपका फॉल्सिंग का काम हुआ हुआ, बेड दी हुई है यहाँ पे फर्स्ट क्लास, यहाँ पे वार्डरोब दी हुई है जो कि आप देख पा रहे होंगे, टी पैनल का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है, और ये वार्डरोब यहाँ भी यहाँ पे दी हुई है, इसके साथ में भी एक वार्डरोब यहाँ भी है, और इसमें अटैच नहीं है, यहाँ विंडो दिया हुआ है, और ये वॉशरूम है इसे अटैच्ड। ये आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास, यहाँ वारंटी फिटिंग सारे जैगवार के। प्राइस के लिए प्लीज़ चेकआउट दी डिस्क्रिप्शन, वहाँ मैं डाल दूंगा प्राइस क्या नहीं है। अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, ऐसे बटन आता रहूँगा अपलोड के लिए फ्रेंड्स, ताकि बाय, टेक केयर। ये आप देख सकते हो, ये गेट का डिज़ाइन हो गया, इसमें एक आपको स्टील की गेट भी दी हुई है। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।